चावन में हमको मिले हैं बहुत सारे। हेलो गाइस, लिपकास्ट व्लॉग में आपका स्वागत है। आप लोग सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। और आज का व्लॉग खास होने वाला है गाइस, तो पूरे व्लॉग में बने रहिए। और हम जा रहे हैं चावन, जहाँ महाराणा प्रताप की समाधि है और स्मारक है। और हमको रास्ते में मिल गए हैं बहुत सारे कैमल, ऊंट मिल गए हैं, हट 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 ओ कैमलियो हटो हटो, कैमलियो हटो, कैमल और कैमल है। ऊंट मेरा फोन मत ले लेना, सही में भरोसा नहीं है इनका। वहाँ पर वेट कर रहे हैं, हाँ कहीं वेट कर। हम लोग हैं चावन में गाइस, चावन में हमको मिले हैं बहुत सारे। गाड़ी में आप दूध नहीं डाल दे, दूध निकलो इसे। ठंडी में मजे ले रहे हैं, क्या बोलते हैं ना आपड़े भाषा में, को गेम के हिंदी में होगी, चिड़िया चिड़िया नहीं है, चिड़िया ही सही है। ये देखो कितने गर्मी में और यहाँ पे पानी पानी है, तो ठंडे में कितने मजे से रह रहे हैं। एक कहाँ गया, इधर पेड़ पे है, दिखाई नहीं दे रहा। टिट्टू हाँ, ये है गाइस बकरा, ये बकरियों का बाड़ा। हम क्या छोटे, हाँ धूप में है। ये देखिए गाइस खूबसूरत सी चिड़िया जो बाजरा खा रही है और एंजॉय कर रही है अपने लाइफ, खुले में एंजॉय कर रही है। क्या बोल, कितने फ्री है यार, इतना मजा आ रहा है। गुलाब बाग वाली चिड़िया को भी इतना मजा नहीं आता होगा। ये है ब्लैक चिड़िया, ये ब्लैक चिड़िया, अरे अरे इधर आगे पास में आ गए। ये है ब्लैक चिड़िया, ब्लैक चिड़िया, ब्लैक चिड़िया। समाधि इधर है, समाधि इधर है, तो इधर जाके आ जाते एक बार, पहले जाए। तो गाइस ये रास्ता जा रहा है महाराणा प्रताप का, जहाँ समाधि स्थल है वहाँ। तो आप लोग पूरे ब्लॉग में बने रहिए। और ये गांव है चावन गांव, जहाँ पर महाराणा प्रताप की समाधि है, छतरी है। और महाराणा प्रताप की छतरी 8 खंभों की छतरी है। तो गाइस अभी पूरे ब्लॉग में बने रहिए, आपको पूरा ब्लॉग दिखाएंगे, पूरा समाधि स्थल आपको दिखाएंगे।
गाइस हम महाराणा प्रताप की समाधि पर पहुंचने वाले हैं। ये है मेन गेट और स्मारक पे हम पहुंचने वाले हैं और ये है रास्ता और ये है चावल गांव जो कि महाराणा प्रताप ने 12 साल तक अपनी राजधानी बनाई थी। देख सकते हैं ये है, तभी हम वहाँ पर पहुँचने वाले हैं तो आप पूरे ब्लॉग में बने रहिए। गाड़ी यहीं खड़ी करनी पड़ेगी नी? हाँ गाड़ी तो जाएगी नी। लल्ला एक बार हम गाड़ी पार्क कर देते हैं उसके बाद हम जाएंगे पैदल पैदल। इसका मतलब अभी हम यहाँ उतर रहे हैं गाइस, इन दोनों का वीडियो लेती चलो। ये अभी हम जाने वाले हैं सामने, सूर्य अस्त होने वाला है, सूर्य भी अस्त होने वाला है और हम आ चुके हैं तो आपको पूरा छतरी वगैरह आपको दिखाते हैं, समाधि आपको दिखाते हैं, तो बने रहिए पूरे व्लॉग में। तो गाइस यहाँ पर ज़मीन कितनी प्यारी है, बिल्कुल प्लेन और यहाँ पर देख सकते हैं गाइज महाराणा प्रताप के बारे में सारी डिटेल है, तो आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो, इतना सारा मैं एक साथ नहीं बता सकती हूँ, तो वीडियो पॉज करके पूरी इसकी जानकारी ले लीजिए। गाइज हम लोग इधर एंट्री कर रहे हैं, ये है मेरे बच्चे, मेरी बेटी और छोटू। हेलो लग रहा है आराम से ये देख सकते हैं चारों तरफ का व्यू, कितना प्यारा व्यू है गाइस, ये देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है और बारिश के दिनों में तो और भी बहुत खूबसूरत लगता होगा और आप बारिश में आना तो मज़ा आएगा। गाइस हमारे साथी लोग तो पीछे ही रह गए हैं और हम लोग जा रहे हैं छोटू और हम, है ना छोटू, हाय कर दे छोटू। हाय गाइस, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बोलना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके इसकी बात मान लेना गाइस, लाइक करना और शेयर जरूर कर देना। अभी हम लोग जा रहे हैं, अभी सूर्य अस्त हो रहा है गाइस और इधर नीचे पानी और सूर्य अस्त होते हुए पानी के अंदर कितना खूबसूरत लग रहा है गाइस। गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ब्लैक कलर में बतख दिखाई दे रही है और वाइट कलर में हंस दिखाई दे रहे हैं जो कि बगुला कहते हैं हमारे इधर, तो कितने खूबसूरत दिख रहे हैं ब्लैक एंड वाइट आप देख सकते हैं गाइस। तो फाइनली गाइस हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं छतरियों तक, आपको सब कुछ दिखाते हैं। गाइस आप लोग यहाँ देख सकते हैं कितना अनोखा पेड़ है, इसके ऊपर पता नहीं क्या फल लगे हुए हैं, ये कैसे फल है हमको पता नहीं है, यदि आपको मालूम है कि ये कौन से फल हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, अगर कहीं लिखा होगा तो हम आपको ज़रूर परिचित करवाएंगे। हाँ ये समाधि है ना सारा मैडम, यही समाधि होगी। अच्छा एकलिंग जी का स्थान है क्या, तो यहाँ पर क्या क्या लिखा है, अंतिम राजधानी चावल बनाई लगभग 19 वर्षों तक यहाँ शासन करने के उपरांत विक्रम संवत संगम पर दाह संस्कार किया गया।
हे गाइस, यहाँ पर कितना मजा कर रही है एंड्रू। एंड्रू इधर आ, इधर आ, इधर एंड्रू इधर आ। अरे कहाँ भाग रही छोटी, दौड़ दौड़ दौड़, सीढ़ियों से चढ़ के जाना, ये कहीं गिर जाएगी। इसको मजा आ गया है गाइस, मेरी बेटी को शूज तो पहनता नहीं है। ए बेटा गिर जाएगा, इधर गिर जाएगा यार, गिर। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं, ये 8 महाराणा प्रताप की छतरियां है जो इस प्रकार है, और ये त्रिवेणी संगम पर है। त्रिवेणी संगम पर स्थित है बांडोली। अरे उधर कितनी हरियाली, कितना खूबसूरत। वाओ गाइस, इधर तो और ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। इधर देखो पानी है और उधर हरा भरा पता नहीं क्या है, मक्का घास कुछ है, नहीं घास कुछ है, और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इधर हंस और बतख वगैरह सारे घूम रहे हैं, उनसे और भी ज़्यादा खूबसूरत ये जगह लग रही है। इनमें भी 8 खंभे हैं, नहीं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इनके अंदर खंभे, एक छतरी के अंदर भी 8 खंभे हैं। सारी छतरियों में 8, जितनी भी छतरियां हैं उन पे 8 खंभे बने हुए हैं। हर एक छतरी में 8 खंभे हैं, 8 छतरियों में 8 खंभे हैं गाइस। गाइस एंड्रू खुश हो रही है भैया को देख के, कुछ कुछ छोटू कुछ कैसे जा रहा था तू, जा एंड्रू को बहुत खुशी हो रही है गाइस। छोटू एंड्रू को बहुत खुशी हो रही है। खुशी हो गई गाइस, गाइस ये कितना अच्छा, यहाँ पर पानी आ रहा है, कितना अच्छा दिख रहा है। हाय गाइस, महाराणा प्रताप की जहाँ पर पहले राजधानी थी उस गेट में हम प्रवेश कर रहे हैं अभी, और अभी हम पहुँचेंगे उनके जहाँ स्टैचू बने हुए वहाँ हम पहुँचने वाले हैं बहुत जल्द। थोड़ा अस्त होता हुआ सूर्य कितना प्यारा दिख रहा है, देखिए गाइस सो खूबसूरत। और चिड़िया जाए, ये है वहाँ का रास्ता, ये पहुँच गए ना गाइस, अभी हम लोग पहुँच गए। टिकट वगैरह भी होगी इधर, लगा टाइम लगा दो, टिकट होगा शायद, टिकट नहीं है, टिकट नहीं है, ये नहीं टिकट है, नहीं है। बस बस बस। तो गाइस हम लोग यहाँ अंदर एंट्री कर दिए हैं और स्टैचू वगैरह ऊपर बने हुए हैं, और ये है और स्टैचू वगैरह महाराणा प्रताप के स्टैचू वगैरह उधर पहाड़ी पे बने हुए, अभी हम जाएंगे। और ये है यहाँ का व्यू, टू खेलता हुआ जा रहा है गाइस, इसको भी आज बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, छुट्टियों में ये भी खूब एंजॉय कर रहा है। यहाँ पर गार्डन वार्डन सब कुछ है गाइस। चलो इधर छुट्टी, इधर इस रास्ते पे, ये पता नहीं कहाँ जाता होगा। वाला किला ही तो है। तो गाइस ये है चावंड वाला किला, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है ऊपर जाके, और हम अच्छे से आपको दिखा देते हैं।
देख सकते हैं ये है बिले। कमदर। आपकी भाषा में क्या बोलते हैं आप कमेंट करके जरूर बताना। सब्सक्राइब लाइक और बादल कितने खूबसूरत लग रहे हैं। गाइस यहाँ लगा हुआ लॉक और हम छोटू चढ़ दौड़। यहाँ लगा हुआ लॉक। अरे यार तुम भाग गए, मैं कैसे चढ़ूंगी। हाँ इधर चढ़ के जाना पड़ रहा है गाइस और हम थक चुके हैं। है वाओ सन कैसा लग रहा है, ये डूबता हुआ सन है ना, लाल लाल बड़ा प्यारा लग रहा है। हमको चढ़ना पड़ रहा है गाइस। हाय हाय चढ़ो दम दम। गाइस ये है महाराणा प्रताप का किला और स्टेचू एटेट उधर। ओ गाइस हम लोग इतना चढ़ के आए पर कोई मतलब नहीं रहा। वो है महाराणा प्रताप का स्टेचू और ये है पूरा बहुत बड़ा किला। आपको ऊपर जाके और बता देते हैं। तो गाइस क्या हुआ ये देख सकते हैं आप कैसा छेटी पड़ गया स्टेचू है, छेटी पड़ गया है। इसलिए वहाँ तक तो नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि हम पहली बार आए तो गलत रास्ते पे आ गए। हाँ गलत रास्ते पे आ गए गाइस। तो आप देख सकते हैं देखो कितना खूबसूरत जगह है यहाँ पर। छोटू एंट्री का ध्यान रखना वा। ये है रास्ता स्टेचू तक जाने का और इसके ऊपर चले क्या उधर पूरा। तो गाइस अभी हम वहाँ पर हम नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि बहुत टाइम भी हो चुका है और हम आ गए गलत रास्ते पे। तो अभी हम जा रहे हैं, कभी और आएंगे तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। और इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। आपको महाराणा प्रताप का स्मारक और छतरी वगैरह सब देख के कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाय बाय टेक केयर। मेरे मेमोरी भी फुल हो गई है इसलिए आगे वीडियो नहीं लेना चाहती हूँ। बाय बाय।